हाँ बताओ। मेरा एक प्रश्न था, जैसे मनुष्य शरीर के बाहर जाना, हाँ जैसे आज के क्वेश्चन दोबारा पूछो, तुम्हारा पूछना क्लैरिटी के साथ नहीं है। थोड़ा जोर से बोलना, तुम्हारी आवाज ढंग से नहीं आ रही। थोड़ा सा बोलो, वो लगा लो चाहे। वो अंदर पड़े हुआ है अभी, ठीक है, हाँ थोड़ा ठीक तेजी है, हो अब गई ठीक है, है, अब ठीक है। स्पीकर कट गया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम कहते हैं जैसे चिप डाला है हिमालय में, ठीक है, तो हमने चिप डाला और अब दूसरी चीज कह रहे हैं अपने शरीर से बाहर आ जाओ और उसको महसूस करो। इन दो चीजों में अंतर क्या है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मुस्कान, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अपने घर के अंदर से बर्फ को गिरते हुए देखना और दूसरी स्थिति में बाहर निकलकर बर्फ का आनंद लेना, बिल्कुल ऐसे ही है। क्लियर हो अच्छा, गया? ये शायद महसूस करके थोड़ा और ज्यादा क्लियर होएगा, क्योंकि मेरे को कुछ ज्यादा रेफरेंस नहीं लग रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं फर्स्ट वाला होता है या सेकंड वाला होता है। सेकंड वाला मतलब शरीर के बाहर, कि अगर शरीर में ही हम उसकी रिएक्शंस को महसूस कर रहे हैं तो वही कार्य तो होता है जब हम चित्त से भी काम कर रहे होते हैं, तब भी हमें हाँ, उसकी लेकिन प्रतिक्रिया अपने इसमें शरीर पे ही आती है। इसमें एक डिफरेंस है ना। जब हम शरीर डाल हम अपने चित्त अपनी क्या कहते हैं अटेंशन को कहीं डालते हैं, तो हम अपने शरीर में स्थित होकर डाल रहे हैं। वी आर सिटिंग हियर एंड वी आर लुकिंग एट अदर्स। हम बाहर देख रहे हैं पर अपने कमरे से शीशे के थ्रू देख रहे हैं। दूसरी कंडीशन में हम बाहर होते हैं। ये बाहर होने के सिम्टम्स क्या है? बाहर जैसे होने के बाहर है सिम्टम्स ये हैं हम कि हृदय और सहस्त्रार में महसूस नहीं होएगा जब हम बाहर होते हैं। बाहर होने के एक सिंपल से सिम्टम्स ये हैं कि हम अपने देहाभास से मुक्त होंगे। हमें शरीर का अनुभव नहीं होगा, सिस्टम का अनुभव होगा। पहली कंडीशन में क्या है, हमें सिस्टम का भी अनुभव होगा, शरीर का भी अनुभव होगा। क्योंकि अब हम अगर शरीर से बाहर हैं तो हम चेतना के रूप में बाहर हैं, हम शरीर के रूप में बाहर नहीं है। शरीर यहीं रह गया, हमारी चेतना बाहर है और उस चेतना के साथ में सूक्ष्म शरीर मौजूद है। तो उसका एक आनंद हमें आ रहा है। पहली कंडीशन में हमको रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं खाली, आनंद नहीं आ रहा। शरीर से बाहर निकलने वाली अवस्था में हम आनंदित हैं और कुछ सेकंड के लिए हम शरीर के साथ होते हैं तो हमें रिफ्लेक्सेस भी आ जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम तक हम आनंद में हैं। हाँ जी, तो मतलब अगर आनंद आ रहा है तो शरीर से बाहर है। यस ऑफ कोर्स, या अच्छा, तो आनंद होगा या शरीर होगा, दोनों में से एक ही रहेंगे। ठीक है। अब इसके लिए एक उदाहरण और दूंगा मैं। संसार की आपके आपके लिए संसार की जो सबसे अच्छी चीज है या अच्छी स्टेज है या अच्छी स्थिति है, उसका जब आप मजा ले रहे होते हो तो आप शरीर में तब भी नहीं होते हो, उस मजे के अंदर होते हो। जैसे आप अपनी पसंद की कोई मूवी देखने जाओ थिएटर में, तो आप पूरी उसकी कहानी में एनग्रॉस हो जाते हो, आपको ये ही नहीं याद होता आप बैठे कहां पे हो, वेयर यू आर हाँ सिटिंग। जी, उस वक्त आप शरीर में नहीं हो, आप उसके अंदर हो, उसके कैरेक्टर के अंदर घुसे हुए हो जो दिखाया जा रहा है, राइट? हाँ जी, तो ये है इसका अंतर, ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। समझ आ रहा। आ गया? हाँ जी, या आपको
कोई चीज खाने की बहुत अच्छी लगती है आपको, खाने की चीज बहुत ही अच्छी लगती है और आपको वो खाने को मिल गई, तो उस वक्त आपको कोई याद नहीं है, बस उसका स्वाद ही स्वाद याद आ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। अगर आपकी टांग में भी दर्द था उस वक्त, टांग का दर्द भी गायब, याद नहीं आ रहा टांग में दर्द है, खाने का मजा ले रहे हो पूरा। या किसी चीज में किसी स्टेज पर आपको बहुत सुख मिल रहा है तो आप भूल जाते हो सारी चीजें, बस उस सुख का आनंद ले रहे होते हो, तब आप शरीर में नहीं होते हो। तो ये इंटरेस्टिंग बात है, पॉइंट क्लियर हो गया? मतलब मेरे को इसके बारे में पता नहीं था, एक्नॉलेज नहीं था, पर ये वाली स्थिति अब समझ में आ रही है कि अगर आनंद आ रहा है तो मतलब शरीर से बाहर ही। यस, क्योंकि शरीर में रहते हुए आनंद नहीं आता। जब कहते हैं ना आह आनंद आ गया। हाँ जसलीन, उस वक्त हम शरीर में नहीं होते। हाँ, बियॉन्ड बियॉन्ड बॉडी स्टेट में होते हैं हम शरीर में उस वक्त मैं नहीं समझ नहीं होते। पा रही थी कि ये अलग कोई स्थिति है या ये वही है जो महसूस हो रही है, समझ आ गया। अब जैसे कि अभी मैंने सबसे पहला उदाहरण दिया था कि आप अपने घर में बैठे हो और खिड़की पे कांच लगा हुआ है और बाहर स्नोफॉल हो रहा है, आप अपने घर के अंदर बैठकर स्नोफॉल का आनंद तो ले रहे हो, लेकिन अपने घर की चीजें भी दिख रही हैं आपको, घर की चीजें भी दिखाई दे रही हैं, उसे भी आप नोटिस कर रहे हो, कोई बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उसे भी सुन रहे हो, लेकिन आप घर से ही बाहर चले गए तो घर की चीजें तो नहीं दिख रही ना, खाली बर्फ का और बर्फ का एक एटमोसफियर का मजा ले रहे हो। तो ये बाहर, शरीर के बाहर की स्थिति है। अब हम जैसे अभी हमने बोला था कि भाई हमारे चारों तरफ माँ आदि शक्ति आप हो, तो हमने शरीर से बाहर निकलकर माँ आदि शक्ति के साथ अटैच हो जाते हैं, तो शरीर था ही कहाँ हमारा उस वक्त, केवल माँ की ऊर्जा के साथ हम कनेक्टेड थे और उसका आनंद ले रहे थे। तो जो चेतना है हमारी, चेतना कैरी करती है हमारे सटल एग्जिस्टेंस को, सटल बॉडी को भी कैरी करती है वो हमारी चेतना, लेकिन उसको एक्नॉलेज नहीं करती, उसकी जगह क्या करती है, आनंद को एक्नॉलेज करती है। चेतना के दोनों पहलू हैं, चाहे तो हम अपने सटल बॉडी को फील भी करें चाहे ना करें। अगर हम आनंद में डूबे हुए हैं तो अपनी सटल बॉडी को भी फील नहीं करना चाहते। ये आंसर आपने एक और दे दिया, तभी फील नहीं हो रहा था, मतलब तभी ये सब ज्यादा फील नहीं होता, कुछ फील नहीं होता, बस उसी बस को उसको शून्य जिए जाओ, एक का फ्लो आनंद। है उसका आनंद लिए जाओ, बस ये होता है ना। लहरें भी कभी कभार नहीं आती, कभी कभार आती है, पर मजेदार जो भी है आनंद आएगा। तो ये थोड़ा सा अंतर है। और बताओ मुस्कान, कोई और चीज बस हो गया? नहीं, मेरा बस ओके, जय श्री माता। जय श्री माता जी। जी अब कोई अन्य जो क्यू में है आइए पधारिए सामने। जैसी माता जी भैया, जय श्री माता जी। जी बहन, जो जिसकी चर्चा हो रही है, हमें भी इंटरनेशनल बीमारी जो है जुकाम हाँ हुआ है, तो हाँ अच्छा आपने करवाया कि इस चक्र में एनर्जी का फ्लो सबसे कम है, वहां पे चित्त लेके जाए तो सबसे फ्लो कम मेरा गले में था, विशुद्धि में। फिर उसके बाद हुआ जहां पे सबसे ज्यादा है वहां लेके जाए, तो वो हृदय चक्र था। तो हृदय चक्र पे जब चित्त गया तो चित्त रोटेट हो रहा था, और उस समय हमें हंसी आ रही थी। हंसी ये आ रही थी कि जो विशुद्धि की स्थिति थी वो तो बिल्कुल ठंडी हो रही थी, और जो मेरा हार्ट वो जो सफोकेशन मेरे यहाँ हो रहा था मेरे हार्ट में आ रहा था, तो अंदर ही
रही है और आंसर मिल रहा था कितना सुंदर अनुभव है। और फिर उसके बाद निराकार रूप से मिले तो उस समय अनुभव हो रहा था कि जो भी है वो सहसार से ऊपर से मतलब बहुत ज्यादा वाइब्रेशन थे और फिर माँ के आल्टर से आए तो नॉर्मल आ रहे थे और जब माँ के स्थूल शरीर से मिले तो माँ की एक ही पूजा अटेंड करी है हमने 2007 की थी जो दिवाली पूजा थी जो जिसमें माँ ने निराकार रूप में पूजा दी थी अपनी जी। तो जो सबसे ज्यादा वाइब्रेशन आ रहे थे वो मूलाधार से मूलाधार जैसे लग रहा था कि बिल्कुल नाच रहा है और वो धीरे धीरे जो वाइब्रेशन थे मूलाधार से ऊपर उठते हुए समझ में आ रहे थे और नाभि तक आए। फिर उसके बाद हिमालय पे पहुंच गए तो यहीं पर तक आए। फिर उसके बाद मुझे वही समाधि की स्थिति आ गई और आज मुस्कान का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे प्रैक्टिकल अनुभव तो हो रहा था मगर जो मुस्कान ने क्वेश्चन पूछा उससे उसका मेरे पूरा पूरा आंसर आज मुझे पता है। सो क्रेडिट गोज टू मुस्कान। बातचीत जो होती है मेडिटेशन के बाद जो बातचीत होती है इसीलिए वो बहुत लाभदायक होती है कि इसके जरिए हमारे बहुत सारी गुत्थियां सुलझ जाती हैं बिना पूछे बिना जाने। जो हम पूछना तो चाहते हैं लेकिन पूछ नहीं पा रहे हैं तो किसी और ने पूछ लिया किसी और की बात हो गई तो हमें भी उत्तर मिल गया। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। कभी कभी समझ में नहीं आता इसे पूछें किस तरीके से। कभी क्वेश्चन तो आता है मगर समझ नहीं आता में आता है किस तरीके से कि ये पूछना क्या ये सही है कि नहीं है। जैसे बहुत सी चीजें होती हैं जैसे आप बोलते जाते हैं तो दिमाग में ही चलता है बस बिल्कुल शून्यता की स्थिति होती है और वो कभी आया नहीं है मेरे जहन में भी नहीं आया कि इन दोनों में कितना बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है शायद बहुत बड़ा जी बहुत बड़ा अंतर। वैसे जो स्थिति हम शायद हम सभी की होती होगी वो वही स्थिति है जो आनंद की स्थिति है कि जो देहाभास से बिल्कुल परे हो जाते हैं। आनंद जो है आनंद परमपिता परमेश्वर का एक रूप ही है समझ लीजिए। तो सोचिए जब हम आनंद के साथ कनेक्टेड होते हैं तो हम परमपिता से कनेक्टेड हैं तो देहाभास कहां से होगा। और विपरीत है ना अगर देहाभास है तो आनंद नहीं है आनंद है तो देहाभास नहीं है सीधी बात। वो तो एक हमारी प्रैक्टिस बना रखी है हमने एक प्रैक्टिस के लिए करते हैं कि चलो इस आनंद की भी प्रतिक्रियाएं अपने यंत्र पे देखें एक प्रैक्टिस के लिए है अदरवाइज इसकी आवश्यकता नहीं है। ये हमारी सूक्ष्म ज्ञान को उन्नत करने के तरीके होते हैं प्रैक्टिस के। अगर आनंद आ रहा है तो हमें उसकी प्रतिक्रियाएं देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है लेकिन हम अभ्यास के क्षेत्र में उतरे हुए हैं हम सब सामूहिक रूप से अभ्यास कर रहे हैं तो इसलिए इसका परिणाम हम अपने सिस्टम पे देखना इसलिए चाहते हैं ताकि हम आश्वस्त होते जाएं और ज्ञानेंद्रियां हमारी उन्नत होती जाएं। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे जो ज्ञान केंद्र हैं वो खुलते चले जाएं इसलिए हम अभ्यास करते हैं और इसकी जरूरत नहीं है अदरवाइज। कुछ समय बाद इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं रहेगी यह अभ्यास भी नहीं होगा फिर आने वाले टाइम में। अभी इसलिए चूंकि अभी हम चल रहे हैं इस तरफ थोड़ा थोड़ा हम हर चीज से गुजर रहे हैं उस गुजरने का अनुभव उसकी गुजरने की प्रतिक्रियाएं हमारे यंत्र पे कैसे आती हैं हम उसको अपने संज्ञान में ले रहे हैं। आने वाले समय में इसकी जरूरत नहीं है। अब जैसे कि एक उदाहरण दूंगा जैसे कि हम एक नए स्थान पर जा रहे होते हैं
हम ट्रेन में सवार हो जाते हैं या बस में, तो हम हर चीज को देखते हुए चलते हैं खिड़की से। अच्छा, अब ये दिख रहा है, अब ये दिख रहा है, अब ये आ गया, अब वो आ गया। अब जब हम वहां हो आए, 2-3 बार आना जाना हो गया, फिर उसके बाद हम नहीं देखते उधर, क्योंकि हम वो देख चुके हैं, उसको देखने की हमें जरूरत नहीं है। अब हम दूसरी चीज का आनंद ले रहे होते हैं। तो समझ लीजिए, शुरुआत है एक जर्नी की। इस यात्रा में जो प्रारंभिक यात्रा है, उसमें कैसा कैसा दिख रहा है, उसका बस मजा ले रहे हैं। बार बार ये यात्रा होती रहेगी, यही वाली यात्रा में अगली बार नहीं हम देखेंगे ये सब चीजें, हमें जरूरत नहीं है इस चीज की देखने की। अगली बार अगला दौर होगा, अगली अगले प्रकार की, अलग तरीके की यात्रा होगी। अब आपने देखा कि अभी तक की जितनी यात्राएं हुई हैं, वो हर बार पहले से भिन्न ही रही हैं यात्राएं। तो हमें कितने प्रकार की यात्राओं का अनुभव हो गया है, पिछले 1.5 साल हो गया लगभग, 1.25 साल। हाँ बताइए, आप कुछ पूछ रहे थे आप। नहीं होता बिल्कुल भी कोई बात नहीं, जो भी बोल। कोई बात नहीं। अब एक बार बताइए, एक बस है, बस में मान लीजिए 55 यात्री हैं और उनकी खिड़कियां अलग अलग हैं, तो सारे यात्री एक ही दृश्य को थोड़ी देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं, क्या हो गया? हम में से कोई एक जना खिड़की पे देखता है, अरे देखो 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 कितना सुंदर दिख रहा है, हम सब इधर नजर उठा के देखते हैं अपनी अपनी सीट से। लेकिन जिस सीट पे वो बैठकर देख रहा है और वो हमें कह रहा है देखो, उसको जो नजारा नजर आ रहा है, हमें वो नजारा दूर से नजर नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से अंदर दृश्य अलग अलग है सबके, कोई बात नहीं। अच्छा भैया, एक स्थिति और हुई है कि ये ध्यान की स्थिति में नहीं, काम भी करते रहते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, वो सब सब भूल जाते हैं थोड़ी देर में। जैसे होता है अपने दिमाग को झटका देते हैं कि कहाँ हो, कि उस समय भी लगता है कि वो बिल्कुल सुनने की स्थिति में चले जाते हैं और कुछ ना करते हुए ध्यान की स्थिति में हो जाते हैं। हाँ, तो ये तो इसका ये अभ्यास जो होता है, पिछले 7 साल से अभ्यास जो चल रहा है इविल सेंटर्स के ग्रुप में, तो वो इसी चीज का तो अभ्यास है कि ध्यान में बिना बैठे ही ध्यान में कैसे रहें। बैठने की जरूरत थोड़ी होगी, अब तो कनेक्टेड ही रहोगे तो ध्यान में ही रहोगे, उसमें क्या है? उसी का तो अभ्यास करते आ रहे हो आप, और बिना अभ्यास के ये होती नहीं चीज, तो अभ्यास ही चल रहा है इतने सालों से। तो आज बहुत सारे आप जैसी स्थिति है, बहुत सारे लोगों को पैदा हो गई है स्थिति कि वो बिना ध्यान में बैठे भी ध्यानस्थ होते हैं और ध्यान का आनंद ले रहे होते हैं। यही तो श्री माता ही चाहती थी, उन्होंने अपने कई बार लेक्चर्स में ही बोला है, यही स्थिति तो होनी चाहिए। एक्चुअल में ध्यान में जो बैठना होता है ना, वो प्राइमरी सेक्शन का घटनाक्रम है। जब आप बैठ बैठ कर अभ्यास बना लेते हैं, तो फिर आपको बैठने की आवश्यकता नहीं होती, वो घटित ही होता रहता है फिर। अब आपने प्राइमरी में ABCD पढ़ी थी, क ख ग सीखा था, फिर उसके बाद तख्ती पे या कॉपी में लिखना सीखा। अब सीख साख के आप क ख ग थोड़ा दोबारा थोड़ी बनाने वाले हैं, ABCD थोड़ी लिखने वाले हैं, अब तो आप आर्टिकल लिखेंगे। अब कोई भैया प्राइमरी में दाखिला लेने के बाद भी 20 साल तक क ख ग ही लिखता रहे, तो उसका क्या कर सकते हैं आप? हम कुछ उसके लिए क्या कर सकते हो आप? भैया माँ का तो थैंक यू आई है, माँ ने आपका ऐसा माध्यम बना दिया जो इस स्थिति में आ गया, नहीं तो हम भी काका ही काका लिख रहे होते अभी तक बैठ करके। अब ये भी वही माँ जाने कि उन्होंने क्या करना है, किसको माध्यम बनाना है, ये उनका खेल है। 1 मिनट होल्ड कीजिए, आज बैटरी बड़ी जल्दी खत्म हो गई।
जब मैं देखता हूं मुझे बड़ी हंसी आती है, अरे भाई एबीसीडी लिखना बंद ही नहीं कर रहे, 20 20 साल हो गए, एबीसीडी का खा गई लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, हर बार जाएंगे हर बार का खा गई लिखेंगे, आगे तो चलो। अरे थोड़ा लिखने पे कुछ है। हाँ एक चीज और है, आज मेरे सेंटर से एक मिली, बोली आप ऑनलाइन जो ध्यान होता है उसमें नहीं है। हमने कहा नहीं, हम किसी और ध्यान में। कहना अच्छा आपने कोई और ग्रुप ज्वाइन कर लिया। हमने कहा ध्यान से मतलब है, चाहे ये ग्रुप चाहे वो ग्रुप। मन में सोचा कि अगर ये वैसे तो सेंटर चाहते थे तो वो कंपल्सन था मेरे लिए कि माँ ने कहा है कि सेंटर जाना जरूरी है, तो जाते थे। सामूहिकता मिलती थी, और जब सामूहिकता हमें दूसरी जगह से मिल रही है तो हम वही जाकर के क्यों करें। मेरा तो मन ही नहीं लगता। देखिए सीमाताई ने तो सही कहा था कि सेंटर जाना जरूरी है। जब सेंटर गए तो माँ से जुड़े, माँ से जुड़ने का अभ्यास बनाया, चाहे भजनों के जरिए, चाहे हवन पूजा के जरिए, तो जब वो सब किया तो उसके बाद अब दूसरे सेंटर ज्वाइन करने योग्य बने। अब जो सेंटर माँ ने ज्वाइन कराया है वो तो आपका अपना सहस्त्रार सेंटर है। अब यहाँ जो सामूहिकता चल रही है, ये सामूहिकता का मजा इसीलिए तो उठा पा रहे हैं कि पहले वाले प्राइमरी वाले सेंटर अटेंड कर लिए थे। अगर प्राइमरी वाले सेंटर अटेंड ना किए होते तो ये वाला एडवांस वाला सेंटर कैसे अटेंड कर सकते थे जो सस्त्रार पे सेंट्रल हार्ट में मौजूद है। तो एक के बाद एक नहीं होना तो है वही ना। तो है। नहीं, तो अब वही प्राइमरी में जाने की इच्छा नहीं होती है। हाँ तो ये विवेकशीलता है ना, ये साधक साधिका की विवेकशीलता है कि उसे एबीसीडी लिखनी है या एस से लिखना है, चॉइस आपकी है। श्रीमाता ने तो व्यवस्था हर प्रकार के सेंटर की हुई है, कौन से ग्रेड का सेंटर अटेंड करना है वो आपकी मर्जी है। अब आप पढ़ने के लिए अपने बच्चों को विदेश ही भेजते हो, कोई ऑक्सफोर्ड में ही भेजते हो, कहीं और भेज देते हो, क्योंकि आप चाहते हो बच्चा अच्छी क्लासेस में पढ़े। अब शुरू में चलो भारत में पढ़ा लिया, उसके बाद आपके पास साधन संपन्न है, पैसा भी है, तो आप सोचेंगे ऑक्सफोर्ड में पढ़ा दें बच्चे को। अब कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के बाद फिर दोबारा अपने चुंगी के स्कूल में जाके बैठ जाए कि नहीं मैं तो एबीसीडी लिखूंगा, अब उसकी अपनी चॉइस है, अब हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। तो अपनी अपनी विवेकशीलता का सवाल है। अब हमारे यहां तो बहुत सारे ऐसे भी मजेदार सहजी हैं जो ऑक्सफोर्ड भी अटेंड करते हैं और वो एबीसीडी भी लिखते हैं, तो अब उनका क्या करोगे आप? क्योंकि वो माइंड से सोचते हैं, अरे भाई इसका भी फायदा उठा लो, उसका भी फायदा उठा लो। अभी जो फायदा उठाने वाली जो एक क्या कहते हैं रेस है, रेस कहूंगा मैं, तो वो रेस किसी चीज कहीं की रहती नहीं है। जो ये सोचती है ये वाला ही फायदा उठाओ, ये वाला ही फायदा उठाओ, वो कहीं के नहीं रहते, किसी मतलब के नहीं रहते, क्योंकि परमेश्वर ही ने आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाया और व्यवस्था की आगे बढ़ाने की, और आप घूम फिर के अपनी कंडीशनिंग के चक्कर में फिर वहीं आके खड़े हो गए, तो परमेश्वरी भी क्या करे। तो ध्यान में फायदा उठाने वाले लोग नहीं चलने वाले, चलेंगे ही नहीं, इसमें कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इसमें फायदा उठाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। ये तो अपने को मिटाने का रास्ता है, अपने को मिटाने के लिए हम आए हैं ध्यान में। अगर हम बने रहे तो ध्यान ध्यान में उन्नत नहीं होंगे, अगर मिट गए तो ध्यान में अच्छी स्थिति को प्राप्त होंगे। लोग अपने आप को बनाने की सोच रहे हैं इस ध्यान में, और वास्तव में रास्ता है अपने आप को मिटाने का, उल्टा काम हो रहा है। मिटेंगे नहीं तो मिलेगा ही नहीं, कुछ नहीं मिलने का। मिटेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं। अगर मीठा पानी चाहिए तो घुलना ही पड़ेगा,
ये नहीं हो सकता कि मीठा भी पानी चाहिए और घुले भी ना, ऐसा संभव नहीं है। अगर चीनी अपना अस्तित्व खोती है तभी मिठास आती है, चीनी अपना अस्तित्व ही ना खोए तो मिठास कहां से आ जाएगी। तो बहुत से बुद्धि चलाने वाले, ज्यादा माइंड चलाने वाले लोगों का बड़ा हाल खराब हो जाता है, कहीं के नहीं रहते। तो ऐसे लोगों से जो YouTube के जरिए इस प्रकार इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं, उन सब से मेरा हृदय से निवेदन है, कृपया फायदा उठाने वाले जो मानसिकता है उसका त्याग कर दें और स्टेप बाय स्टेप जैसे आगे बढ़ रहे हैं उसको फॉलो करें। और तीसरी चीज, अपने अस्तित्व को मिटने दें, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष ना करें। संघर्ष करेंगे तब भी मिट के रहेगा, और संघर्ष नहीं करेंगे तो आसानी से मिट जाएंगे। चॉइस आपकी है, मिटना तो हर हाल में है। अब पानी में घुलने को पड़ गए, कब तक बचेंगे? घुलना तो पड़ेगा। एक एक जग के अंदर पानी रखा है और उसमें चीनी गिर गई, और चीनी चाहे कितनी कोशिश कर ले अब उसमें जग में से तो बाहर नहीं निकल सकती। वो सोचे हाय मैं बच जाऊं, किसी तरह बची रह जाऊं, वो अब बाहर नहीं निकल पाएगी जग में से, पानी में घुलना ही पड़ेगा उसको। अब अंतर क्या है, या तो खुशी खुशी घुल जाओ वरना घोल दिए जाओगे। तो चीनी नहीं, वो कड़ी होंगे तो घुलेंगे नहीं, कंकड़ है? होंगे वही नहीं घुलेंगे ना। हाँ, चीनी में गंदगी भी, चीनी में गंदगी वो भी एक तो दूसरी होती बात है। है, वहां हम कंकड़ों की बात नहीं कर रहे, हम तो चीनी की बात कर रहे हैं। वो कंकड़ तो वैसे ही नहीं घुलेंगे, वो तो पता ही है सबको, लेकिन चीनी भी सोचती है कि घुले ना, मिठास भी आ जाए और घुलना भी ना पड़े, तो ये नहीं हो सकता। यानी कि अपने अपने अस्तित्वों को चीनी की तरह संभाल कर जो रख के चले हैं वो तो छोड़ना ही पड़ेगा, अपना अस्तित्व को त्याग करना पड़ेगा वरना मिठास ही नहीं आएगी, बेकार में जाएगी जिंदगी, ना इधर के ना संसार के मतलब के रहे, ना प्रभु के मतलब के रहे। कहते हैं ना, ना माया मिली और ना राम। हो गया इस जीवन का काम तमाम। तो ऐसा घटनाक्रम बनता है। चलिए कोई बात नहीं, जैसी उनकी गति, जैसे उनकी मति वैसी उनकी गति। और बताइए बहन, कुछ और हो गया? जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। प्रियंका, अद्भुत ज्ञान था आज का, बिल्कुल। हाँ मजा आया बहुत। हाँ, बहुत अलग ही, जैसे हम लोग आत्म दर्शन करते हैं वैसे श्री माता जी का साकार और निराकार दर्शन बहुत ही मजेदार। जब साकार का दर्शन हुआ था तो पुणे में 2008 में किया था, पूरा एकदम सेम टू सेम कंडीशन में आ गई थी, फिर तो ऐसे ही मजा आ लगा गया। कि सर्जरी। हाँ, इतना ज्यादा चैतन्य ऊपर से नीचे तक आया था, मैं रोने लगी थी उस दिन जब माँ को देखा था पहली बार, वैसा ही अच्छा, फील हुआ। फिर उसके बाद अपने हिमालय का दर्शन कराया, और ऑल्टर में भी बहुत सुंदर वाइब्रेशन थे, जैसे चेतना जब ऑल्टर के पास गई तो वैसा ही मजा। अच्छा, हिमालय पे तो बहुत ही जैसा लग रहा था चेतना एकदम चिपक गई हो हिमालय से, बहुत ही आनंदित बर्फ की फीलिंग, कैसे
कैलाश का दर्शन, एक फोटो है आपका जिसमें कैलाश का जब सूर्योदय होता है तो कैलाश एकदम गोल्डन कलर का हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल गोल्डन, यस यस बहुत ही ब्यूटीफुल है, मैग्निफिसेंट, इतना दिव्य लग रहा था। कैलाश की दिव्यता पूरा अंदर तक आ गई थी, दर्शता हृदय में आनंदित करने जैसा। और फिर ब्रह्मांड का दर्शन कराया निराकार फॉर्म में श्री माता जी का, बहुत सुंदर था, बहुत ज्यादा अच्छा। अभी भी पूरा का पूरा फीलिंग है, देखिए मजा आ रहा है बोलने में। आज की यात्रा थी ना, आज की यात्रा थी श्री माँ के सार्वभौमिक सर्वविदित स्वरूप का ही एहसास था वो आज पूरा। बहुत अच्छा। अब इसमें मैं एक बात बोलो 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 नहीं आप ना ना आप बोलो मुझे बस वही जो चेतना वाली बात थी ना, ये मुझे धीरे धीरे खुद ही एक बार ऐसा ही एहसास हुआ था कि जब चेतना बाहर आती है तो बिल्कुल देहभास नहीं होता है और बहुत आनंद फील होता है, अलग ही मजा। फिर आप जब मुस्कान को कह रहे थे तो एकदम क्लियरिटी आई पूरा, क्योंकि आपके जो एग्जाम्पल होते हैं इतने सिंपल होते हैं ना, कुछ कह नहीं सकते, सबको समझ आ जाता है सिंपलिसिटी में। क्योंकि मुझे खुद बहुत ज्ञान ऊंचे वाली ज्ञान वाली बातें मुझे खुद ही नहीं समझ में आती, अब अनपढ़ इंसान को क्या समझ में आएगा पढ़ी लिखी बातें। विद्वान हो तो विद्वान वाली बात करेगा, मैं तो एक साधारण सा इंसान हूं तो साधारण सी बातें ही समझ में आती है मुझे तो, और वही बता सकता हूं मैं। भाई जिस वही साधारण चीज हमारे अंदर आ पाती है क्योंकि हम भी तो साधारण ही है ना। हाँ हम सब सब साधारण है, इसमें कोई शक नहीं है। एक्चुअली जिसकी जैसी पढ़ाई लिखाई होती है उसकी रुचि वैसे ही होती है। अब हम तो पढ़ने लिखने में फिसड्डी रहे हैं, खेल कूद में ही ज्यादा चित रहा तो भाई हमें तो सीधी सच्ची बातें समझ में आती हैं सरल सरल। और जो पढ़े लिखे विद्वान हैं वो ढूंढते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी बात ढूंढ के लाएंगे और आपके सामने रख देंगे, क्योंकि उनका अच्छा स्तर है ना, तो इसलिए अपने को समझ में तो सीधी बातें आती हैं। अब एक गांव का अनपढ़ किसान है तो वो तो जो देखता है वही तो बताता है। उसे क्या लेने देना कुछ समझ में नहीं आता। अब उसके हाथ में मोबाइल दे दो तो कहेगा अच्छा बता दे बेटा कैसे चलाऊं, तो उसे दो चार चीजें ही आती हैं बस, कि मोबाइल में कॉल कैसे करनी है, कॉल सुननी कैसे है, बस इससे ज्यादा वो जानना भी नहीं चाहता। ऐसे ही मैं हूं, मुझे कुछ ज्यादा जानने की इच्छा ही नहीं है कि कौन सी किताब पढ़ लूं, कौन सा उपनिषद पढ़ लूं, कौन सा वेद पढ़ लूं, शिव पुराण पढ़ लूं कि विष्णु पुराण पढ़ लूं, कुछ नहीं, जो अंदर से महसूस हो बस वो ही पढ़ना है, जो चारों तरफ दिखाई दे रहा है उसे ऑब्जर्व करना है वो ही बताना है, सिंपल सी बात है बिल्कुल। वो पूरा उतरती है अंदर तक, ऑब्जर्वेशन है आपका। कबीर दास जी कह गए थे ना, पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पढ़ी पढ़ी जग मुआ हुआ ना कोई पंडित, ढाई आखर प्रेम का पढ़ता, क्या ऐसी कुछ है ना। हाँ ऐसे कुछ करके है, तो अपने को क्या समझ में आता है, जो उनकी रचना है परमात्मा की जो रचना है उसका जो सौंदर्य है और उस सौंदर्य के साथ में बहने वाला प्रेम है, बस इसके अलावा मुझे कुछ समझ में आया ही नहीं कभी। सौंदर्य और प्रेम के अलावा मेरे को कुछ समझ में कभी नहीं आया, तो क्या पढ़ूं। वही वास्तविक सत्य भी है, क्या पढ़े। अब सौंदर्य का आनंद ले लिया और प्रेम को आत्मसात कर लिया,
काम खत्म हो गया। सौंदर्य ने आत्मा को अभिभूत किया और प्रेम ने ज्ञान दे दिया। वो ज्ञान कौन सा ज्ञान? जो चारों तरफ है, नैसर्गिक है, चारों तरफ बिखरा हुआ है बस, और चाहिए क्या? इसके अलावा क्या चाहिए? इससे गुजारा हो जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। और बहुत पढ़ लिख के क्या होता है, इंसान विद्वान हो जाता है, फिर वो विद्वानों की श्रेणी में शामिल होता है, बड़ी बड़ी गोष्ठियां होती हैं, बड़े बड़े डिबेट होती हैं, फिर शास्त्रार्थ होते हैं। और शास्त्रार्थ में क्या होता है तुमको मालूम ही है ना। अब मेरे जैसे इंसान को तो शास्त्रार्थ का एहसास करके ही घुटन होने लगती है, सफोकेशन हो जाता है। अरे भैया शास्त्रार्थ, घुटन, सेंट्रल हार्ट बंद, सेंट्रल हार्ट में सब चीज बंद हो जाती है शास्त्रार्थ के नाम पे। इसलिए बहुत से लोग मेरे से कहते हैं वो ऐसे ऐसे ऐसे, मुझे नहीं पता कैसे कैसे है, ये अनुभव है ये बताता हूं, आपको अच्छा लगे अपना लो, नहीं है तो कोई बात नहीं। आज हमारी एक सहजी बहन ने मेरे को फोन किया, किसी ने नंबर दिया होगा, मुझे मालूम नहीं किसी ने नंबर दिया, उन्होंने कोई अपने घर में किसी सदस्य की परेशानी बताई, तो उन्होंने मेरे से कहा कि इस परेशानी में आप ये बताइए कौन से चक्र को साफ करें। उनका प्रश्न ये था कि ये परेशानी है और इसमें कौन से चक्र को साफ करें। तो मैंने कहा बहन मुझे कुछ नहीं समझ में आता ये बात कि कौन सा चक्र साफ करें। बोले आपको उन्होंने तो बताया था, जिन्होंने नंबर दिया था उन्होंने तो ये कहा था कि इनसे हर चीज पता लग जाएगी। मैंने कहा बहन मुझे तो ये चक्रों की सफाई आती नहीं, चक्र कैसे साफ करते हैं, मैं तो सीखी नहीं है। बोले फिर उन्होंने क्यों दिया? मैंने कहा ये तो आप उनसे पूछना, और उन्होंने बताया नहीं मुझे, ये सब नहीं आता है कि क्या करना है, सहज के कर्मकांड मुझे आते ही नहीं है। तो फिर बोली फिर भी, मैंने कहा मुझे तो एक मूल चीज समझ में आती है, मूल चीज बिल्कुल जड़, कि सारी बीमारियों की एक जड़ है वो है हमारा मन। और मन जो है ध्यान में जुड़ने से मन शांत हो जाता है, और मन की ही बीमारियां शरीर पे दिखती हैं। जब मन शांत हो जाएगा तो आपकी बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी, बस इतनी बात समझ में आती है मुझे। और बीमारी कैसे दूर होती है मुझे तो मालूम नहीं, किसी भी तरीके से कोई आप वो मंत्र बता दो, मैं कहा वो भी नहीं आता, बीमारी दूर करने वाला मंत्र कौन सा होता है, कुछ नहीं पता मेरे को इस मामले में, बस इतना पता है कि मन की बीमारी ठीक हो सकती है। फिर जब बात हुई तो फिर तो बाद में तो बड़े प्रसन्न हो गए, हाँ मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुझे सोचना चाहिए, खुश। और बड़ी सारी समस्याओं में घिरी भी थी, क्योंकि मूल चीज क्या है, मन, मन को अमन में कैसे परिवर्तित करना है इसका अनुभव है मुझे, मैं वो शेयर कर सकता हूं। अब कौन सी बीमारी में क्या करना होगा ये मुझे नहीं मालूम, आई डू नॉट नो, और मैंने कभी जानने की कोशिश भी नहीं करी कि कौन से मंत्र लेने से कौन सी बीमारी ठीक होगी, कौन से टेक्निक अजमाने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाएगी, मुझे नहीं मालूम वास्तव में, इंटरेस्ट भी नहीं है। और मैंने उनसे यही कहा कि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। आप सब लोग जो YouTube पर ये बातें सुन रहे हैं आज, समझ लीजिए इस बात को कि मेरा कोई इसमें रुचि नहीं है। आने वाले समय में यदि आप इससे संबंधित कोई प्रश्न करना चाहें तो कृपया मत कीजिएगा कि बीमारी कैसे ठीक करें, मुझे आती नहीं है ठीक करनी बीमारी। हमारे शहर में बहुत बड़े बड़े ऊंचे दर्जे के संत आ गए हैं जो बीमारियां ठीक कर रहे हैं, उनकी आप सलाह ले सकते हैं। क्यों प्रियंका, मुझको तो मन की बीमारी ठीक करने का बताया है कि मन की बीमारी कैसे ठीक करें, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। तो अब वो कर सकते हैं, उनको शिमाताई ने ज्ञान दिया है, हमारे को शिमाताई ने ज्ञान नहीं दिया है, या ये कहिए कि रुचि नहीं दी इस तरफ जाने की। लेकिन देखा है कि सब कुछ दूर हो सकता है, सिर्फ बस एक ही चीज।
जो शुरू से इतने साल से प्रियंका आपकी चेतना से जुड़ा है, हृदय सहस्त्र सब चीज का एक ही मन, ये सीख मेरी खुद की चेतना से जो बहुत आसान और बहुत ही आगे बढ़ने का सबसे उत्तम सर्वोत्तम तरीका। देखो अक्सर लोग कहते हैं शरीर में बहुत बीमारी होगी तो ध्यान नहीं होगा, ठीक है, शरीर में बहुत बीमारी है, दर्द है, आपका ध्यान नहीं लग रहा। वो बीमारी के कारण आपका ध्यान नहीं लग रहा ये बात नहीं है, आपकी प्राथमिकता श्री माता जी नहीं है, दर्द है इसलिए आपको लग रहा है। जो दर्द है वो आपकी प्राथमिकता में शामिल है, श्री माता जी नहीं है। यदि श्री माता जी को आप प्राथमिकता बनाएंगे तो दर्द सेकेंडरी और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ या जीरो हो जाएगा, दर्द होता रहेगा पर आपका ध्यान दर्द पे नहीं जाएगा। नहीं बस इससे ज्यादा मुझे समझ में नहीं आता। मुझे भी समझ में आया। प्राथमिकता क्या है, जितनी भी लोग जितने भी लोग परेशानियों की बात करते हैं, ये परेशानी वो परेशानी वो परेशानी वो परेशानी, आप समझ नहीं रहे ये वाली परेशानी हमें है, आपको बता रहे हैं, जितने भी लोग परेशानियों की बातें कर रहे हैं, मैं आप सब से ये बात बताना चाहता हूं, जो YouTube पर ये बातें देख रहे हैं, ये बातें सुन रहे हैं, आप सबको ये चीज बतानी है कि परेशानियों की बात करने का मतलब है कि आप अपने जीवन में परेशानियों को प्राथमिकता देते हैं। अरे जसलीन शालिनी का ऑन है, हैं शालिनी का म्यूट कर दो जसलीन। ओके ओके, ये टीवी चल रहा है शायद, क्या हो रहा है पता नहीं। हाँ मैं ये कह रहा था प्रियंका, जो भी लोग परेशानियों की बातें ज्यादा करते हैं तो एक बात निश्चित है कि उनकी प्रायोरिटी परेशानियां हैं, श्री माता जी नहीं हैं। तो झांक के देखें अपने अंदर कि हमारी प्राथमिकता क्या है जीवन में। अगर प्राथमिकता में आत्मा परमात्मा माँ है तो यकीनन आपको परेशानी आपकी परेशान नहीं करेगी, और जब आपको परेशानी आपकी परेशान नहीं करेगी तो आप उसके दूर करने के लिए कम से कम सहयोग का तो सहारा नहीं लेंगे। हाँ कोई परेशानी है उसे 10 तरीके से दूर किया जा सकता है, आप दवाई खा सकते हैं, आप किसी से ट्रीटमेंट करा सकते हैं, कई प्रकार की पैथी हैं हमारे इस समाज में, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाली चीज समझनी है हमें कि भाई हमें क्या करना चाहिए, परेशानियों के प्रति हमारा नजरिया क्या होना चाहिए। इस संसार में जितने भी प्राणियों ने मानव देह में जन्म लिया है, जितनी भी चेतनाओं ने, सबके जीवन में अच्छी खासी परेशानियां रही हैं। खास तौर से जो महान महान आत्माएं मानव देह में आई, इवन अवतार भी आए, पूरे जीवन परेशानियों से घिरे रहे, कष्टों से घिरे रहे, लेकिन चूंकि उनकी प्राथमिकताएं कुछ और थीं, इसलिए उन्हें कष्ट कष्ट नजर नहीं आए। तो जितने भी लोग ध्यान में जुड़ना चाहते हैं, ध्यान का आनंद लेना चाहते हैं, सबसे पहले स्वयं से ही ये निर्धारण करना होगा कि हमारी प्राथमिकता क्या है, और प्राथमिकता डिसाइड करने के बाद ही उत्थान की बातें करें, क्योंकि प्राथमिकता है परेशानी दूर करना, तो उत्थान कैसे होगा, असंभव। अगर प्राथमिकता ध्यान है तो निश्चित रूप से आपको परेशानियों से आपकी निजात मिल जाएगी। परेशानी होती रहेंगी, नहीं भी होंगी, ठीक भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन आपको आपकी परेशानियां परेशान नहीं करेंगी, ये बात पक्की है। मैं प्रियंका तो ये कहना है मेरा, और बताइए। कह रही हूँ कि मेरे साथ
अपना भी साथ में ध्यान में मग्न है। अच्छा वेरी गुड, तो बहुत खुशी की बात है, गुड। हम सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं आप दोनों के लिए। इतना मेन में से ध्यान चल रहा है, लेकिन कभी भी जब सैटरडे को इतना अच्छा मेरा दिवेत रहता है, कुछ बढ़िया रहता है कि मैं ध्यान कर पाती हूँ, कोई भी कहीं भी पेन नहीं, आराम से इतने देर बैठना, कोई रेस्ट नहीं। बीच में दो तीन मैंने देख के करती थी, थोड़ा नींद आने लगती थी मुझे, पर ध्यान में सेशन नहीं छूटने दिया। और उस टाइम तक जब से स्टार्ट मूवमेंट हुआ है, तो जब तक आप ध्यान करोगे पूरा चलेगा, धीरे धीरे मूवमेंट चलेगा। उसके बाद जैसे बातचीत होगी, जब आप बोलने लगोगे तो फिर चेतना उठ जाती है, फिर सो जाती है। उसके मतलब की चीजें नहीं है ना। हाँ ये अभी देखिए, उठा इतना का उठना हुआ, खुश हो गया। बातचीत ज्यादा आगे बढ़ी। एक्चुअली जो चीज मतलब की है वही ग्रहण करेगी ना, चेतना वही ग्रहण करती है जो उसके मतलब की चीजें होती हैं। ठीक है, आप बोल रहे हैं, फिर से मुझे आया एक नॉक नॉक आया। ये तो सारा परमेश्वरी का ऐसा घटनाक्रम है ना, वो सब चलता है। ये जो ऐसी चीजें हैं विलक्षण, यदि हम समझे हैं तो बहुत विलक्षण है। और यदि हमारी प्राथमिकता ये है कि हम परम के साथ एकाकार ही होके रहें जीवन में, तो व्यवस्था बन जाती है। और हजार दिक्कतों के बावजूद भी सब कुछ चलता ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहता है। क्योंकि ये पूछना था कि क्या चेतना इस टाइम में भी ग्रहण करती है? बिल्कुल ग्रहणशीलता, बिल्कुल 100% हर हाल में। आप जो ग्रहण कर रहे हो वो चेतना भी ग्रहण कर रही है। वॉट एवर यू आर गेटिंग, दैट अवेयरनेस इज ऑल्सो गेटिंग। आप उसके ग्रहण करने का माध्यम हो, यू आर द मीडियम ऑफ एब्जॉर्प्शन। बिल्कुल 100%। इतिहास में बहुत सारे उदाहरण है इस चीज के, बहुत सारे प्रकरण है ऐसे। क्योंकि सुरसे जी मेरे फोन करते हैं, बात कर लो इसी पे वो। हाँ अच्छी बात है, जानते हो आपने इस पे बोलकर उपकार किया है सब पे, उन सारे ऐसे सहजियों पे उपकार किया है जिनके अंदर बहुत सारी परेशानियां रहती हैं इन चीजों से संबंधित। अभी सारी बातें बाहर जाएंगी, सब ध्यान से सुनेंगे इन बातों को और समझेंगे, उनकी ढेर सारी प्रॉब्लम दूर होंगी, क्वेश्चन होंगे सॉल्व होंगे। और गहन, बहुत ही गहन स्थिति अंदर में, इतना ठहराव है। पर बड़ी से अगर मैं देखूं, जब से मुझे पता चला, तो एक ही प्रार्थना किया था मासी की, चेतना और मुझे उन्नत करे, जो भी आने वाली चेतना है वो मुझे बहुत उन्नति प्रदान करे ध्यान में। तो ये चीजें महसूस कर रही हूँ, और कोई भय नहीं, कुछ नहीं, कोई भी स्थिति, पहले की स्थिति और अब में जमीन आसमान का फर्क। देखो सोल के अपने पर्पस होते हैं, सोल, हर सोल जो है अपने एक पर्पस से आती है संसार में, ठीक है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में रहे, चाहे वो अदृश्य रूप में रहे, चाहे वो दृश्यमान रूप में रहे, हरेक का अपना पर्पस है। और सबके पर्पस एक ही शक्ति सॉल्व करती है, साक्षात मां आदि शक्ति, वही सारी सोल की पर्पस को सॉल्व करती है, मदद करती है, और कोई दूसरा नहीं होता मदद करने वाला। हाँ वो माध्यम बनाती रहती है, कैसे कैसे सोल के लिए कहाँ से क्या व्यवस्था होगी, किस तरीके से प्राप्त होगा, ये सारा नेटवर्क उनका है। व्यवस्थाएं बनाने का कार्य परमेश्वरी का है, महाद शक्ति ही ऐसे संयोगों को निर्मित करती हैं जिससे इस प्रकार के घटनाक्रम आसानी से बन जाए
और सोल को उसका पोषण मिलता रहे, जो ऊर्जामयी पोषण है, जो ज्ञानमयी पोषण है वो मिलता रहे, उसकी व्यवस्था वही कर देती है। चूंकि ये संसार माँ ने बड़े प्रेम से बनाया है, लिहाजा इस संसार को चलाने के लिए उन्हें बहुत सारे मानवीय माध्यमों की आवश्यकता होती है, इसीलिए उनका ट्रेनिंग सेंटर चलता है। कई साल से वो ट्रेनिंग सेंटर चला रही हैं, हर काल में उनका एक ट्रेनिंग सेंटर चला है और हर काल की जो सोल्स हैं उनको ट्रेनिंग देती रही हैं। वो काल के मुताबिक तौर के तरीके बदलते जाते हैं, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, वो है ट्रेनिंग सेंटर का चलना। वो बादस्तूर जारी है, जब तक मानव है तब तक ये चलेगा। अब मानव ही एक्सटिंक्ट हो गया तो कह नहीं सकते किस रूप में चलेगा आगे। अब ये बात तो पक्की है कि हम लोग मरने के बाद डायनासोर तो नहीं बनने वाले, बच गए। कि दोबारा डायनासोर आए फिर दोबारा रचना हो, ये तो नहीं होने वाला। अब ये बात पक्की है, अब कुछ और ही होगा। पहले बन के आए होंगे हम लोग अलग अलग उसमें, लेकिन अब नहीं बनने वाले, अब तो खत्म हो गया खेल, अब तो ये साइकिल एंड होने वाली है। हम सबकी जो जीवात्माओं की यात्रा है उसकी अंतिम यात्रा है शरीर रूप में, इसके बाद अशरीरी अवस्था में ही यात्रा चलेगी। जो लोग इसी जीवन काल में डिटैच्ड हो जाएंगे उनकी अगली यात्रा अशरीरी अवस्था में होगी और बहुत ही आनंददायी स्थिति में। जो अटैच रह जाएंगे उनकी यात्रा पीड़ादायक रहेगी शरीर रहित अवस्था में, और पता नहीं कितने काल तक छटपटाती रहेंगी उनकी जीवात्माएं अटैचमेंट के कारण। तो समझदार वही है, सुलझावा सहजी वही है जो धीरे धीरे करके अपने चारों तरफ के जो ये जो मकड़ी का जाला है ना संसार का, वो अपने हाथों से ही काटता चले तो उसको बड़ा चैन मिलने वाला है शरीर छोड़ने के बाद में। और शरीर छोड़ने से पहले भी मिलेगा चैन, और मिल रहा है चैन। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत चैन मिल चुका है अपने इसी जीवन काल में। पहले बड़े अशांत बुरी हालत में थे, आज बहुत अच्छी स्थिति में है। और कुछ ऐसे महान आत्माएं हैं हमारे बीच की जो अच्छी खासी अवस्था में आ चुके थे चैन की, और फिर मुसीबत में जानबूझ के घुस गए। फिर संसार में घुस गए नए नए अलग अलग उद्देश्यों को लेकर। अब उनका कुछ नहीं हो सकता, वे तो वही बात हो गई कि भाई पीएचडी करने के बाद फिर प्राइमरी में आ गए, उनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो बाई चॉइस आए हैं। जो बाई चॉइस प्राइमरी में आए हैं तो उनका कोई उत्थान कभी नहीं हो सकता, वो तो ऐसी इसी अवस्था में ही शरीर का त्याग करेंगे और उनकी जीवात्माएं पता नहीं कितने काल तक छटपटाती रहेंगी। अवसर गवा दिया। और एक और भी आ रहा है कि देने की जो भी स्थिति चल रही है, जो अधर्म का साथ दे रहे हैं, अधर्म को जानते हैं फिर ये अधर्म का साथ दे रहे हैं, उनकी बहुत बुरी स्थिति होगी। वो तो बहुत बुरी, और हम कोई भी देख के दया नहीं आएगी। वो तो मैंने कहा था ना शुरू में, वो तो कटने वाले बकरे जैसे हैं, पक्की बात। वो बुरा हाल होगा, वो होना शुरू हो गया है, बहुत सारे लोगों की हालत खराब हो चुकी है। हमें अंदर से जरा भी करुणा नहीं उनके लिए। क्या करना है? जो अगर एक ये लोग होते हैं, अगर एक पुलिस वाला गुंडों के साथ मिल जाए तो उसकी सजा आम लोगों से ज्यादा होती है।
हाँ तो अब ऐसे पुलिस वाले पे कोई करुणा और दया तो नहीं आ सकती। उसे तो अपराधियों से भी बड़ी सजा मिलती है, अपराधियों को इतनी तगड़ी सजा नहीं मिलेगी जितनी उसे मिलेगी। इसलिए सबसे जिस बड़ी सजा उन्हें हाँ दुर्योधन को भी वही सजा। भाई, इतना विद्वान इंसान, इतना ज्ञानी, इतना शूरवीर, उसने जानबूझ के ऐसा काम किया, जघन्य अपराध किया, और ऐसा अपराध किया है जिसकी अक्षमा है, जिसकी क्षमा ही नहीं है, जिसके लिए युगो युगो तक तो क्षमा नहीं है, तो खो ही नहीं सकती क्षमा। तो तड़पते रहेंगे, पता नहीं कितने काल तक तड़पते रहेंगे लगातार। ये चीज के प्रति जागरूकता तभी आती है ना, अगर किसी साधक साधिका की प्राथमिकता श्री माता जी है, ध्यान है, परमात्मा है, तो निश्चित रूप से वो ऐसे काम नहीं करते। उनकी चेतना उन्नत है, वो ऐसे काम करने के ही नहीं कभी भी। वो अपराध तो नहीं करने वाले, प्रकृति के विपरीत नहीं जाएंगे, परमात्मा के विपरीत नहीं जाएंगे, मानवता के विपरीत नहीं जा सकते वो लोग, तो उनको लाभ ही होगा फिर। बहुत पुराने पुराने सहजियों को देखा है, एकदम गुलाम होते हुए एक इंसान हाँ के बातों के गुलाम, उसके गुलाम। क्योंकि वो छटाई वाली प्रक्रिया में आ चुके ना। अभी शुरू में बोला तो था मुस्कान से बात करते हुए, ये छटाई का तरीका था ये। अब श्री कल्कि को काम देना था, काम देने से पहले तो छांटना ही पड़ेगा ना, काम किस पे करें वो तो छटाई का कार्य हो गया, ठीक दाढ़ी वाले बाबा के पीछे जो गए वो छट गए हैं? मतलब आश्चर्य होता है मुझे, बड़े साहब हैं प्रियंका, मुझे बड़ा हंसी भी आती है जनता के ऊपर। और बड़े साहब विकास विकास करके तो सत्ता में आए, और विकास किसका हुआ? दाढ़ी का बाकी देश डूब गया पूरी तरह डूबा। एक ही चीज का विकास किया, तो कह सकते हैं हाँ भाई बड़ा विकास किया उन्होंने और ये जनता जनता भी निरी मूर्ख, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सबके सामने डाका डाला जा रहा है, डाका चोरी भी नहीं, डाका डाला जा रहा है, सब लोग देख रहे हैं, फिर भी उसे नहीं फर्क पड़ रहा कि हाँ भाई लगने तो डाका, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है। अब उनकी जो गति होगी तो होगी, साहब के चाहने वालों की तो दुर्गति होगी उनकी तो गति होगी जो हाँ उन्होंने सोच रखी है, इनकी दुर्गति होगी। होनी भी चाहिए। ये तीन में न तेरे में, अभी तो बहुत अनाचार बढ़ेगा, बहुत अनाचार बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, फिर समापन समारोह हो जाएगा शुरू। भाई जज साहब भी फांसी की सजा उसे ही सुनाते हैं ना जो जघन्य अपराध करता है। फांसी की सजा सबको तो नहीं होती, उम्र कैद हो जाती है। फांसी की सजा तो विड़लों को दी जाती है, और बहुत बड़े अपराध पर दी जाती है। तो अपराध तक तो पहुंचाए पहले, उतना बड़ा अपराध कराने की स्थिति में लाए, तब उसके बाद फांसी की सजा है हो गया प्रियंका, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।
जी अन्य यात्री। अब कौन हाजिर हो रहे हैं? हमने भी आई कहाँ है? आई नहीं अभी। जय श्री माता दी बहन जी। जय श्री माता जी। जी बहुत ही आनंद आ रहा है भैया, सारी बातचीत में ध्यान का तो आनंद आता ही आता है। ये बातचीत बहुत अच्छी है, मुस्कान के साथ जो बातें हुई है ना, बहुत ही बढ़िया। वो बच्चा भी बहुत सारी बातें बढ़िया बढ़िया करता है ना। हाँ अच्छा लगता है हमें भी। पॉइंट बड़े मतलब सूक्ष्म पॉइंट बात पे बात करती है वो, तो फिर अच्छा भी हाँ लगता है, सब सबको मजा अच्छे। आता है। और बताइए आप। बस भैया ध्यान में जो अपने आसपास मां निरंतरा को महसूस करना, और कितनी तरह से हम माँ को कैसे कैसे महसूस करते हैं अपने वजूद के अंदर अस्तित्व में, वो बहुत अच्छा था। और हिमालय पर जाना भी है, यहाँ पे एक मेरा प्रश्न था कि हम हिमालय पर गए, पर कई बार हमें लगता है कि हम एक कल्पना कर रहे हैं, कोई दृश्य देख रहे हैं, ये थोड़ा सा बताइए। उस वक्त आता है हम नेचर से जुड़ते हैं, जो जो आप बोल रहे थे उससे जुड़ रहे थे, पर क्या वो ठीक है? हमें साथ में दृश्य भी नजर आते हैं, मतलब ऐसा आता है कि इसका जुड़ना तो उनकी एनर्जी से है। हाँ, इसका उत्तर मैं वैसे पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर आज बताऊंगा। जो हम दृश्य देख रहे हैं वो हमारे स्मृति कोश से है, अपनी मेमोरीज से आ रहे हैं, जहां हम जा चुके। ये कल्पना नहीं है, यहां तो हम जी के आए हैं उस चीज की। दिस इज नॉट इमेजिनेशन। इमेजिनेशन उसे कहते हैं कि हम गए तो है नहीं, लेकिन कल्पना कर रहे हैं, या हम उसके दो चार नहीं हुए। हमने पहाड़ तो देखे हुए हैं, जो समय जिया है हमने पहाड़ों का, वो स्मृति कोश से आ रही है यादें, ठीक है। लेकिन उस स्मृति कोश के साथ में जब हम उन चीजों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ऊर्जा भी तो मिल रही है हमें। अगर ऊर्जा मिल रही है तो कल्पना तो नहीं है ना। कल्पना में ऊर्जा नहीं होती, कल्पना मन से उत्पन्न होती है। जिसे हम कल्पना अगर कहें तो मन से आ रही है, तो उसमें ऊर्जा विद्यमान नहीं होगी। और जिस कल्पना में ऊर्जा है तो कल्पना नहीं, यथार्थ है, वो सत्य है। ये तो श्री माता जी ने हमें पहले ही शुरुआती दौर में ही समझा दिया था कि बेटा अगर वाइब्रेशन महसूस हो रहे हैं तो वो सत्य ही है। कल्पना तो ये मिथ है, मन से आती है। इमेजिनेशन कम्स फ्रॉम योर माइंड ओनली, बट फीलिंग्स स्प्राउट्स फ्रॉम ट्रुथ। पानी पी लीजिए बहन जी, कुछ अवरुद्ध हो गया गले में। पूरी बोतल खत्म हो गई मेरी पीते पीते पानी। जब हम इंटरेक्ट करते हैं सबके साथ में, तो हमारे सिस्टम पे सभी लोगों के नेगेटिव स्टेटस भी हमारे सिस्टम पे आते हैं। और इस वाले इन मेडिटेशन में तो जो भविष्य के व्यूअर्स हैं उनके भी सिस्टम आ रहे हैं। तो कभी गला खराब होगा, कभी ये होगा, कभी वो होगा, चलता रहेगा ये सिलसिला। तो उसका बैलेंस क्या है? वाटर, पानी पीते रहिए, ये व्यवस्था बनी रहेगी, चलता रहेगा। क्योंकि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आती है किसी के भी इंस्ट्रूमेंट से, वो वाटर से सबसाइड हो जाती है। तो वाटर का इनपुट बढ़ाते रहिए।
आप बैठे बैठे 2-3 लीटर पानी पी जाएंगे, पूरी बॉडी कंज्यूम कर लेगी। इतना पानी पूरे दिन में नहीं पी सकता इंसान जो 1-1.5 घंटे के अंदर पी जाए बैठे बैठे यहाँ पे मेडिटेशन के स्टेटस से। आपने महसूस किया है ये बात? क्योंकि क्लीनिंग प्रोसेस भी चल रहा है, अटेंशन और अवेयरनेस की जगह पता नहीं कितनी चीजों से इंटरेक्ट करते हैं, वहां की नेगेटिव एनर्जी हमारे सिस्टम पे आती है, रिलीज होती है, पानी उसको सबसाइड करता रहता है। कितनी भी तपस आए लेकिन जल उसको भी शांत कर देता है। तो पानी फटाफट जाता रहेगा, पीते रहो पीते रहो पीते रहो। और आम स्थिति में आप इतना पानी नहीं पी सकते इतनी देर में, थोड़ी सी देर में ही। अब जितने भी प्रकार से आज मेडिटेट, मतलब जितने भी पॉइंट्स पे हमने मेडिटेट किया हम सब ने, तो कितने प्रकार से मेडिटेशन हो सकता है आप ये देखिए ना। मैं सोचता हूं हमारे सहजी रोज एक ही प्रकार का ध्यान करके बोर नहीं होते? कई कई साल से एक ही तरीके से ध्यान करते हैं, एक ही चीज, एक ही मंत्र, मतलब एक ही तौर तरीका, बिल्कुल वही का वही वही का वही। बहुत बोरियत चढ़ जाए। जो कन्वर्सेशन में हो रहे उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स निकल आते हैं मेडिटेशन। हाँ यकीनन, क्योंकि हम सबकी चेतनाओं का अलग अलग एक नजरिया है या स्टेटस है, तो उसके कारण बहुत सारी चीजें अलग अलग आती हैं निश्चित रूप से। और इससे क्या होता है कि ये डिफरेंट जो चीजें होती हैं उससे हमारी उन्नति ही होती है, हमारी जागृति में और चेतना में बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं। और हमारा चित्त वर्सेटाइल होता जाता है, और ज्यादा डेवलप होता है अटेंशन हमारा, और ज्यादा तरीके से कार्य कर सकता है, ज्यादा स्थानों पर एक साथ कार्य कर सकता है हमारा अटेंशन। शुरुआत में आपने देखा होगा कि चित्त बड़ी मुश्किल से काम करता था या करता ही नहीं था काम, अब तो 85 जगह एक साथ काम कर लेता है। इसकी क्षमता विकसित होती जा रही है चित्त की भी। और पहले माइंड कितना चलता था, माइंड बेचारा इधर उधर हिलता डुलता भी नहीं, चलता ही नहीं, अब तो माइंड एक तरफ बैठा रहता है, टुकड़ टुकड़ देखता रहता है बस। जब से ये चीज हुई है ना हमारे साथ कि माइंड जो है उसका कोई रोल नहीं है, तब से हम और भी ज्यादा खुश और आनंद में रहने लग गए। हाँ, क्योंकि अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि पहले हम लोग माइंड को ज्यादा महत्व देते थे तो माइंड हावी हो जाता था, इसलिए ज्यादा परेशान करता था। अब इसकी वैल्यू खत्म हो गई है। जैसे इसकी समझ भी तो नहीं थी ना भैया, आपने समझाया जिस तरीके से, तो अब हमें अभ्यास हो गया ना, बार बार अभ्यास करने से अब पता चलता है कि अब उसका कोई महत्व रहा ही नहीं हमारे लिए। हाँ बहन जी, एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा, ये आज पता नहीं सेल काम नहीं कर रहे इसके।